स्वागत है आपका गैलेक्सी फैक्ट्स में और मेरा नाम आनंद सहनी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एलियन सचमुच होते हैं, अगर होते हैं तो कहां पर हैं, और अगर होते हैं तो उनसे अभी तक कोई कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपने कोई बार सुना होगा कि हमारे पृथ्वी के अलावा भी कोई जीने योग्य ग्रह हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार हम उन्हें ढूंढते हैं हो सकता है कि वो भी हमें उसी प्रकार ढूंढ रहे हो, परंतु दूरी अधिक होने के कारण हम उनसे कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग में अभी तक असफल रहे। दोस्तों एलियन किसे कहते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आखिर एलियन कहते किसे हैं। इस शब्द का सीधा मतलब यही है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ प्राणी को एलियन कहलाता है। दुनिया में बहुत सी घटनाएं घटी है जिसमें एलियन या उड़न तस्तरी यूएफओ आदि को देखे जाने का दावा किया गया है, परंतु इनका कोई ऑफिशियल प्रमाण आज तक सामने नहीं आया है। इसलिए यह सस्पेंस आज भी बना हुआ है कि एलियन होते हैं या फिर नहीं। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एलियन की कहानी या यूएफओ आदि को देखे जाने की घटना किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि जिस तरह हम जीवन यापन कर रहे हैं उसी प्रकार दूसरे ग्रह पर भी हमारी तरह लोगों को रहने की आशंका है, जो हमारी तरह सांस लेते होंगे। इंसान बरसों सालों से एलियन की तलाश कर रहा है, परंतु शायद अभी तक हमारे हाथ कोई ऐसी पुख्ता जानकारी लगी है जिसके माध्यम से कहा जा सके कि एलियन सच में होते हैं या नहीं। हम सदैव ब्रांड में अपनी मौजूदगी के लिए संदेश प्रकाशित करते रहते हैं। शायद कभी ऐसी कोई सभ्यता जो किसी और ग्रह पर विकसित हो चुकी है वो हमसे संपर्क कर सके या हम उससे संपर्क कर सके, परंतु हमें इस विषय में अभी तक कोई कामयाबी प्राप्त नहीं हुई है। एक मशहूर भौतिक वैज्ञानिक एनिको फॉर्मी ने 1950 में एक सवाल पूछा था। फॉर्मी का मानना था कि इस ब्रांड में इंसान जैसी कोई और भी बहुत सी सभ्यताएं हैं जो अलग अलग ग्रह पर विराजमान है। इनका कहना था कि हम कभी न कभी उन सभ्यताओं से संपर्क अवश्य कर लेंगे, परंतु सोचने योग्य बात यह है कि अगर हम अभी तक उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं, आखिर वो एलियंस कहाँ है। हमें आकाशगंगा के विषय में यह ज्ञात नहीं होगा। आकाशगंगा में लगभग 100 अरब से अधिक तारे मौजूद है। उन्हें 100 अरब तारे में किसी एक तारे या फिर कोई अलग अलग तारे पर अलग अलग सभ्यताएं हो सकती है, परंतु समस्या ये है कि हम उनसे अभी तक संपर्क साधने में असफल रहे। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हम उनसे अवश्य संपर्क कर लेंगे, परंतु एक समस्या ये भी है कि यदि हम उनसे संपर्क भी कर लेते हैं तो इस बात की जानकारी किसी को नहीं है कि जो दूसरी दुनिया के लोग होंगे वो अच्छे हैं। यदि वो खतरनाक निकलते हैं तो यह समस्या सामने आ सकती है कि हम क्या करेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में कोई एलियन हमारे ऊपर हमला न कर दे, क्योंकि कोई बार उड़न तस्तरी देखे जाने का दावा किया जा चुका है। एलियन सच में मौजूद है, बल्कि अमेरिका और इजराइल इनके संपर्क में भी है, इस प्रकार की एक आधिकारिक घोषणा की गई है। परंतु इस बात का कोई पुख्ता साबूत अभी तक किसी ने भी पेश नहीं किया है। कहा जाता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन्हें इस विषय में संपर्क जानकारी थी। यह जानकारी दुनिया को देना भी चाहते थे, परंतु एक वक्त एक एलियन ने उनसे संपर्क कर उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि इंसान अभी तक यह सच जानने के लिए तैयार नहीं है। इस बात इजराइल के सुरक्षा प्रोग्राम के एक जीप एन इसद ने कही थी कि इन्हें इजराइल जैसे देश ने सैटेलाइट का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट का आविष्कार किया था। उनका यह बात कहना हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या सच में एलियन होते हैं, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी अधिकारी है और भी कोई भी बात सोचने से पहले कोई बार सोचते होंगे। एलियंस के बारे में अधिकतर लोगों का ये कहना है कि एलियंस बाहरी दुनिया से ही आते हैं, ये किसी और ग्रह पर निवास करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एलियंस यूएफओ इत्यादि के माध्यम से कहीं और बाहर से आते हैं, परंतु ICR एक ऐसी संस्था है जो कि एलियंस और एलियंस की दुनिया के आदि विषय में रिसर्च करती है। इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट का कहना यह है कि
कि एलियंस किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे ही दुनिया के समुद्र के अंदर से निकल कर आते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि उसी समुद्र में उनके देश भी हो सकते हैं, परंतु अब तक इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक सामने नहीं आई है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिचित एवं व्हाट्सएप और फेसबुक के मित्र के साथ दी गई बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और यदि आप चाहते हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख ही रहा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं आपका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।